ये एक बहुत ही सुंदर मैकेनिज्म है जहां पर हम माचिस की तीलियों द्वारा बल को प्रसारित कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नई माचिस की डिब्बी चाहिए। माचिस की डिब्बी खोलिए और सारी माचिस की तीलियों को निकाल दीजिए। उसके बाद में एक माचिस की तीली को लेकर के आप टेबल पर रखिए, फिर दूसरी माचिस की तीली को पहली वाली के लंबवत रखिए, मसाले वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे हो, फिर तीसरी को दूसरी तीली के लंबवत रखिए और चौथी को तीसरी के लंबवत। अब ये देखिए चार तीलियों का एक ढांचा बन गया। आप चौथी तीली को दबाएंगे तो पहली वाली ऊपर उठेगी। कितना सुंदर मैकेनिज्म है। अब चौथी के लंबवत पांचवीं, पांचवीं के लंबवत छठी, इस क्रम के अंदर आप तीलियों को सजा सकते हैं। आखिरी तीली को दबाएंगे तो पहली वाली तीली अपने आप ऊपर उठेगी। यानी ये पूरी चेन जो है ये बल को प्रसारित करती है। आप इस तरह से इस चेन को और लंबा कर सकते हैं। इस तरह से आप 15-20 माचिस की तीलियों को सजा सकते हैं। हर तीली दूसरे के लंबवत होगी। अब इस आप अपने मैकेनिज्म को टेस्ट कीजिए, इसका परीक्षण कीजिए। जो अंतिम तीली है उसको आप अपनी उंगली से दबाएंगे तो पहली वाली ऊपर उठेगी। कितना मजेदार मैकेनिज्म है ये। यहां देखिए दोबारा आप अंतिम तीली को दबाते हैं तो पहली वाली अपना सिर उठाती है। इस सुंदर से प्रयोग को करने के लिए आपको केवल एक माचिस की डिब्बी चाहिए जो गरीब से गरीब घर में भी उपलब्ध होगी।